अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको फैंसी फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। पैनल फ्रॉक है ये, और इसको मैंने राउंड योक में बनाया है। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये एक मैंने ब्रांडेड शर्ट पीस से तैयार किया है। ये पूरी ड्रेस है, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है और इसमें चमकदार ग्लिटर लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, और इसके साथ ही मैंने ये लेस इसमें ऐड की है। नेक पर डिज़ाइन बनाया है, गोटा वर्क किया है, और साथ ही मैंने इसमें पैनल भी लगाए हैं। ये पैनल के अलावा ऊपर की डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी मेन डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर, तैयार करके, कटिंग करके, और बाकी जो है इसकी सिंपल जो काम है वो मैंने छोड़ दिए। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं, मेरे पास दो पीसेस हैं। ये ब्रांडेड फैब्रिक है, ये लॉन फैब्रिक है समर का, और ये तकरीबन 3 मीटर इसमें फैब्रिक है जिसमें से मैंने फ्रॉक बनाया है। सबसे पहले मैंने इसमें लेंथ लेनी है योक की, 15 इंच योक का मैंने पूरी चौड़ाई में से ये पीस निकाल लेना है। इसमें से मैं फ्रंट और बैक की योक बनाऊंगी, और बैक साइड पर मैंने इसमें जिप लगानी है। अब ये मैंने डबल किया हुआ है कपड़ा, इसको 10 इंच तक मैं ले रही हूँ, हाफ, यानी कि पूरी टोटल चौड़ाई जो है 20 इंच होगी इसकी, 15 इंच ऊंचाई और 20 इंच चौड़ाई इसका बस्ट साइज। अब ये जो किनारी वाला हिस्सा है ये मैंने जिप के लिए छोड़ दिया है, तकरीबन ये हाफ हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा है। अब इसको कटिंग करेंगे। फालतू कपड़े को मैं अलग कर देती हूँ। अब हम शोल्डर की कटिंग करेंगे। 7.5 का मुझे शोल्डर लेना है। आमतौर पर मैं बड़े साइज़ के लिए इतना ही लेती हूँ, गर्ल्स साइज़ है ये, और इतना ही इसका आर्म होल होगा। सिंपल इसके स्लीव्स हैं, इसलिए इसमें जो मेन कटिंग स्टिचिंग है सिर्फ मैं आपको वही दिखाऊंगी। ये इस तरह से योक की हमारी कटिंग होगी। हल्की सी मैंने नीचे से भी थोड़ा सा मामूली सा कर्व दिया है, 1/2 इंच से भी कम। अब हम नेक कटिंग करेंगे। हमें फ्रंट के हिसाब से 3.5 इंच का हमें नेक चौड़ाई लेनी है। बैक साइड से नहीं ले चेक करना है हमें, बैक साइड से साइज़ नहीं लिया है मैंने, फ्रंट हिस्से का साइज़ लिया है। बैक साइड का ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है ये फोल्ड होकर जिप में आ जाएगा। मज़ीद 1 इंच और फ्रंट साइड की मैं गहराई लूँगी। 7.5 ये फुल चौड़ाई की ये नेक है, और तकरीबन 2.5 से 2.5 इंच ये गहराई है इसकी नेक की। आर्म होल की इजाफी कटिंग की गई है। ये योक हमारी इस तरह तैयार है। नेक से 1/2 इंच या 1 इंच हम हटाकर इसमें योक कटिंग करेंगे इसके अंदर से, और ये पीस हमारा दोबारा लगेगा। ये ऊपर से टोटल मेरा 15 इंच है, तो मैं नीचे से 3 इंच छोड़ दूँगी। 3 इंच छोड़ने के बाद ये निशान लगाना है। ये देखें 3 इंच है ये हमारा हिसाब। अब इसमें एक मैं थोड़ा सा मैंने स्ट्रेट लेना है नीचे से भी और साइड से भी, और इसके बाद हमें गुलाई करनी है। ये यू शेप का ये योक तैयार होगा। अब देखें मैं यहाँ से इसको गुलाई कर रही हूँ अंदाजे से। चाहें तो हम पहले पेपर कटिंग करके उसके ऊपर भी रख के बना सकते हैं इस योक को। और ये फ्रंट की सिर्फ कटिंग की जा रही है एहतियात से, बैक की कटिंग नहीं होनी है इसकी, सिर्फ फ्रंट को कटिंग किया जाएगा। ये डिज़ाइनिंग सिर्फ फ्रंट के लिए। अब आप देखिए अंदर का मैं ये कपड़ा मैंने निकाल दिया है। अब इसी के ऊपर रखकर मैं अंदर के लिए एक नया पीस तैयार करूँगी। ये मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये जो मेरा अंदर से योक का निकला हुआ पीस है, इससे मैंने 1 इंच चौड़ाई में ज़्यादा और 1 इंच ऊँचाई में मैंने ज़्यादा लेना है। अभी देखिए मैंने 1-1 इंच बढ़ा लिया है। अब मैं इसको साइड में रखूँगी, यानी कि हमारी योक जो है तकरीबन ये
1 इंच से थोड़ी कम यानी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा चौड़ी है और 2 ही सेंटीमीटर ऊंचाई में ज़्यादा है थोड़ी सी। अब मैं इसी के साइज़ का योग कटिंग कर रही हूँ। आपने देखा है मैंने दोनों साइड से चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी इसको 1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम मैंने यानी 2 सिलाइयों के बराबर इसको लंबाई में भी और चौड़ाई में भी ज़्यादा लिया। अब हम पैनल कटिंग करेंगे इसके। अब ये मेरे पास जो एक पीस था छोटा पीस था उससे मैंने योक और बाजू तैयार करने थे और ये बड़ा पीस जो है मेरा जो इसकी 33 इंच हाफ लंबाई है और यानी कि 2 हिस्से हैं, ये 2 अर्थ हैं। एक फ्रंट के लिए मैं पैनल कटिंग करूँगी, एक के बैक के लिए पैनल कटिंग करूँगी। यानी कि ये हमारा 2 अर्थ का कपड़ा है। 33 इंच मैंने इसकी पैनल की लेंथ ली है और 33 33 को अगर आप डबल करें तो 66 इंच हो जाती है, 66 इंच। इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब हम इसके पैनल कटिंग करेंगे। इसका पैनल जो है 10 इंच नीचे से चौड़ाई का होगा, ऊपर से 3 इंच चौड़ाई का होगा। ये गर्ल्स के लिए हम साइज़ ले रहे हैं। अगर हम ये तकरीबन इसकी मैं वेस्ट का साइज़ जो है वो 16 इंच का रखूँगी। 17 इंच जो साइज़ रखना चाहती हूँ उनका भी इतना ही रखा जाएगा और इससे ज़्यादा अगर हमारा वेस्ट साइज़ है तो हमें 3.5 इंच से 4 इंच का भी हम पैनल ऊपर से ले सकते हैं, नीचे से ये 10 इंच का ही रहेगा। नीचे से ये 5.5 इंच है और ऊपर से 1.5 इंच मैंने लिया है, यानी कि खोलने के बाद ये ऊपर से 3 इंच और नीचे से 10 इंच रहेगा। अब पहला पैनल का मैं ये निशान लगा रही हूँ इस तरह से इंची टेप रखने के बाद। अगर हम इसको आयरन करके बनाएं तो हमारी ये बहुत ही सफाई के साथ ये पैनल तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। दिखाने के लिए मैं आपको चौक से निशान लगाए, चौक के निशान अक्सर हमारे थोड़े से कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इसको आयरन कर लें इन निशानों को तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग होती है। अब देखें जो इसको मैंने पलट दिया है पैनल को, जो पतला हिस्सा था उसको ऊपर कर दिया है, जो चौड़ा हिस्सा था उसको नीचे करने के बाद इसको अलट पलट करके हम इसी तरह से पैनल बनाते रहेंगे। इसमें यह होता है कि हमारे कुछ आधे पीसेस जो हैं हमारे उसका डिज़ाइन जो है वो ऊपर की तरफ आता है, आधे का डिज़ाइन जो है हमारा नीचे की तरफ आता है। तो जो हमारा एक डिज़ाइन का जो रुख होता है हमारा उसको हम एक को बैक की साइड पर बना लेते हैं पैनल और एक को फ्रंट साइड पर, यानी आधे पैनल हमारे यानी कि अगर 6 पैनल हमारे 1 अर्थ में से बन रहे हैं तो उसमें से 3 हमारे उनका डिज़ाइन ऊपर की तरफ होगा और 3 का नीचे की तरफ होगा। इसी तरह दूसरे पीस में होगा तो हमारे 6 6 पैनल जो हम इस तरह से तैयार करेंगे उसमें हम डिज़ाइन का ख्याल रखेंगे कि एक ही रुख के हमारी जो डिज़ाइन है वो पैनल पर इस्तेमाल हो। जैसे कि मैंने बताया ये पैनल जो है 10 इंच नीचे से चौड़ाई है और 3 इंच ऊपर से है। अगर हम इसका 18 से 20 इंच तक का बस साइज इसका वेस्ट साइज रखना चाहें तो फिर हमें 3.5 इंच का पैनल लेना होगा। अब आप ये देख सकते हैं मैं इनको अलट पलट करके कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो रहा है। आखिर में हमारी एक छोटी सी पट्टी बचेगी। अगर मैं इसको 10 की जगह 11 इंच का ये नीचे से पैनल लेती तो ये मेरा बिल्कुल पूरा पूरा आ जाता। इस तरह से मेरे जैसे 6 पैनल कटे हैं ऐसे 6 पैनल और मैं कट कर लूँगी। मैं आपको 6 पैनल काट के दिखाए मैंने आपको ये, इसी तरह से 6 और मैं बाद में अलग से कटिंग करूँगी। ये सिर्फ मैं जो आपको तरीका दिखाना था, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल एक अम्ब्रेला फ्रॉक की शक्ल लेगा। जो ब्रांडेड ड्रेसेस होते हैं उनमें कपड़ा काफ़ी ज़्यादा जिनमें होता है ऑल ओवर में, तो इसका दुपट्टा भी फैंसी है, बहुत खूबसूरत है। तकरीबन 3 मीटर के करीब इसका फैब्रिक था। जे डॉट का ये ब्रांड है, आप चाहें तो इसको जे डॉट की आउटलेट पर देख सकते हैं। इस तरह से ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है।
अब मैं आपको ये पैनल जोड़कर और इसकी डिज़ाइनिंग तैयार करके दिखाती हूँ कि योग पीस जो मैंने अंदर से गुलाई में तैयार किया है उसमें मैं अब इस पेपर बुकरम इसके साथ पेस्ट करूँगी। पेपर बुकरम मैंने इस पर लगा लिए है और आयरन से निशान लगा लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो डिज़ाइनिंग है इसके मुताबिक मैंने तिरछी तिरछी लाइनें आयरन की मदद से लगाई हैं ताकि हर बॉक्स में मेरे जो बॉक्स तैयार हुए हैं मैं एक एक मेरा ये जो फ्लावर्स हैं वो एक एक हर बॉक्स में आता जाए। ये मैं बारीक वाला गोटा लिया है और इसकी मैं ये लाइनें लगा रही हूँ। बहुत ही आसान सा काम है, जल्दी से होने वाला है, कोई इसमें मेहनत नहीं है और ना ही ये मुश्किल है। जिस तरह से मुझे इसका रुख बन रहा है मैं उसी तरह से इसकी गोटे की लाइनें लगा रही हूँ। नीचे मैंने पेपर बुकरम इसलिए लगाई है ताकि किसी किस्म का झोल या चुने ना आए। बाद में हम चाहें तो आयरन की मदद से पेपर बुकरम को रेत भी कर सकते हैं, कटिंग करके अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब हम इसको तैयार करते हैं तो इसमें फिनिशिंग आती है अगर हम पेपर बुकरम लगा लेते हैं। इस फैब्रिक के ऊपर ग्लिटर लगा हुआ है, इसका ट्राउज़र बिल्कुल सेम है और सेम कलर का प्लेन ट्राउज़र है और दुपट्टा भी इसका इतना ही फैंसी है जितना कि इसका शर्ट का डिज़ाइन है। इसमें ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसमें जैसे मैंने बॉक्सेस डाले हैं तिरछी लाइनें लगाकर, चाहें तो हम सीधी लाइनें भी लगा सकते हैं या कोई और डिज़ाइनिंग करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। इसको मज़ीद फैंसी बनाने के लिए इसमें अगर हम और भी कुछ चाहें तो बीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो बाहर की गोलाई है उसमें भी मैंने पेपर बुकरम लगा ली है, एक पट्टी लगा ली है और एक लेस की मदद से मैं इस पर पाइपिंग के तौर पर ये लेस निकालूंगी। इसमें कर्स हैं, लेस के अंदर चाहे तो हम सादी पाइपिंग भी लगा सकते हैं या कोई और लेस अगर हमारे पास है तो, जो सिल्वर कलर का इस पे ग्लिटर लगा हुआ है तो मैंने ये लेस बीच में सिल्वर कलर की इस्तेमाल की है। ये बाहर की गोलाई है और जो गोलाई वाले हिस्से हैं इनमें मैं छोटे छोटे हल्के हल्के कर्स लगाऊंगी ताकि इसको हमें पलटना आसान रहे। अब इसको आयरन करना है, आयरन करने के बाद इसमें फिनिशिंग आ जाएगी और फिर हमें जो नीचे का पीस मैंने तैयार किया है उसको रखने के बाद इसको पिनअप करेंगे और फिर इसको फिक्स कर देंगे। इसका सेंटर बना लिया मैंने, नीचे के पीस का भी और ऊपर के पीस का भी, और उसके बाद हम ये इनको पिने लगाएंगे और पिने लगाने के बाद इस पर फिर हम सिलाई करेंगे। आप ये देख सकते हैं राउंड योग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस तरह की डिज़ाइनिंग, तो हम इस तरह आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइनिंग बनानी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फ्रॉक पर चाहें तो हम जिस तरह चाहे फैंसी बना सकते हैं। इसकी नेक मैंने बिल्कुल राउंड नेक है और बिल्कुल सिंपल नेक बोर्ड शेप में बनाई है। अगर हम इसको मज़ीद फैंसी करना चाहें तो हम इसे इस पर भी कोई लेसिस लगा सकते हैं। अब इसको मैंने फिक्स कर दिया है और इसके साथ ये मेरे पास ये लेस है, ये नेट पर बनी हुई लेस है और इस पर भी कट डालने का काम है और बहुत ही खूबसूरत ये फैंसी लेस है जिस जो मैं इस पर सेटिंग कर रही हूँ। इसके कट्स में भी मैंने जो राउंड कट बने हुए हैं इनमें भी मैंने कट्स लगाए हैं और अब इस लेस को मैंने इस तरह से लगाना है जो गोलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चुने भी दी जाएंगी। ये देखें थोड़ा सा जहाँ पर झोल आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं हल्की हल्की सी चुन देकर इसको गोलाई में सेटिंग करूँगी। और इसका लेस का डिज़ाइन मैंने ऐसे लिया है कि कर्स की साइड से ये बिल्कुल बाहर की तरफ से फैल जाएगा। चाहे तो इसको हम बाद में ग्लू की मदद से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं और अगर नीडल से करना चाहें तो नीडल से भी सुई धागे के साथ हम इसको लेस को पूरी को फिट कर सकते हैं। ये मैंने आधा गज का पीस लिया था, काफ़ी एक्सपेंसिव ये लेस है, तो ये मैंने नेक पर इसी तरह से लगाई है। इसमें कट दाना सितारे लगे हुए हैं, नेट के ऊपर इस पर काम है। अब हम इसकी नेक कटिंग करेंगे, 3.5 इंच चौड़ाई की नेक होगी और तकरीबन 2.5 2 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैं लूँगी इसकी नेक की गहराई।
ज़्यादा गहरी नेक नहीं है, चौड़ाई में ज़्यादा है ये। जो नेक हम चौड़ाई में ज़्यादा लेते हैं तो उनको गहराई में ज़्यादा नहीं रखते। ये हमारी मर्ज़ी है कि अगर हम गहरी नेक बनाना चाहें तो गहरी नेक भी बना सकते हैं। गर्ल्स के लिए हम नेक की गहराई थोड़ी कम ही रखते हैं। अब ये योक तैयार हो गई है, अब हम पैनल जोड़ लेते हैं। ये छः के छः पैनल इसी तरह जोड़े जाएंगे, जो पतले हिस्से हैं पतले हिस्सों के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ लिए जाएंगे। छः फ्रंट के लिए हैं और छः बैक के लिए। ये तमाम के तमाम पैनल जोड़ लिए जाएंगे और जोड़ने के बाद उनको योक के साथ फिट किया जाएगा। इसके अलावा इसकी कटिंग स्टिचिंग बिल्कुल इसकी सिंपल है। सिंपल इसमें स्लीव्स लगे हुए हैं, मैंने इसमें सीधी सीधी गोटे की लाइनें घेर में भी लगाई हैं और मैंने इसमें बाजू में भी गोटे की लाइनें लगाई हैं। दो तरह का इसमें गोटा इस्तेमाल किया है, एक हाफ इंच जितना चौड़ाई का गोटा है और एक बिल्कुल ही बारीक गोटा है जिसकी मैंने लाइनें लगाई हैं, जिससे ये मज़ीद फ्रॉक जो है ये और ज़्यादा फैंसी हो गया है। आप ये देखें, इसकी पूरी एक मैंने आपको पैटर्न बना कर तैयार करके दिखा दिया है। बाकी इसकी सिलाई जो है बिल्कुल सिंपल है। बैक साइड पर इसमें ज़िप लगाया है मैंने, तो आप ये देख सकते हैं तैयार करके मैं आपको ये पूरी फ्रॉक दिखा रही हूँ। और ये इंतहाई खूबसूरत और फैंसी फ्रॉक तैयार हो गया है। पैनल फ्रॉक है, इसका काफ़ी ज़्यादा घेर महसूस हो रहा है। अगर हम पैनल नहीं लगाते हैं, चुनो वाला फ्रॉक बनाएंगे, वो खूबसूरत भी नहीं लगेगा इतना और उसका इतना ज़्यादा घेर भी नहीं बनेगा। इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा बना है, ये आप देख सकते हैं। ये एक पैनल फ्रॉक हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत पार्टी ड्रेस हमारा ये तैयार है। इसका दुपट्टा भी फैंसी है और इस तरह के चाहें तो हम गर्ल्स के लिए इस तरह के ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। नीचे भी मैंने एक गोटा वर्क किया है, गोटे की सीधी सीधी लाइनें लगाई हैं। उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। चाहे तो अपने कोई ख़ास मौक़ों के लिए आप इस तरह के ड्रेसेस बच्चियों के लिए तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।